भोजन के साथ। जब बेटियों का पूजन होगा तो कोई आगे नहीं रहेगा, सीधे बहनों को भी देखने, तो ये संकेत, ये एक संदेश है कि बेटियों का सम्मान करें। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान लें और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन करें, पैर पखारे। नन्नी नन्नी प्यारी बेटियां हमारे बीच जिनका पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखारते हुए, और आज का दिन नारी ओजस्विता का है, नारी के सम्मान का है, हमारे बीच एक बहना का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का भी पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। तुमको पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस, हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं पोषण दलिया भेज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री देवी स्वरूपा नन्नी नन्नी बालिकाओं को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। निवेदन सामान्य विशेष अतिथिगणों से भी कि वे दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। आज जबलपुर की इस पवित्र धरा से पहली बार राशि अंतरित होने जा रही है लाडली बहनाओं के जीवन को संवारने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए साथ ही साथ माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आइए हाथ जोड़कर हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें। लाडली बहना योजना का यह शंखनाद प्रदेश की सभी महिलाओं के जीवन में नई उमंग और रोशनी लाए, और आजादी के इस अमृत काल में ये लाडली बहनाएं प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री अजय विश्नोई जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। लाडली बहनों, आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ, अभी बेटियों का पूजन तो किया है, लेकिन भारतीय आप एक मिनट जरा, लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारे यहां कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ मैं एक बहन का पूजन करके करूंगा। ये कुर्सी भाव बीच में लगाओ, पानी लेके आओ, पांव धोऊंगा मैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं को सौगात देने जा रहे हैं और प्रतीक स्वरूप वे एक लाडली बहना के पैरों को पखारते हुए उनको नमन करते हुए, क्योंकि वो मानते हैं हे नारी तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही जगदम्बा है, वे देवी स्वरूपा मानते हैं सभी नारियों को। और अनूठी सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाडली बहना को नमन करते हुए
पूजन करते हुए एक लाडली बहना का श्रीफल से तिलक करके श्रीफल देकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस लाडली बहना का सम्मान कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं प्रतीक स्वरूप। ये उनकी भावनाएं हैं पूरे प्रदेश की बहनाओं के लिए। और हमारे बीच एक बहना जिसके पूजन के साथ प्रतीक स्वरूप उसका पूजन करके नमन करके आज के इस भव्य उत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी प्रदेश की बहनों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं एक लाडली बहना को, उसके पैर पखारते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाडली बहना का शक्ति भक्ति का प्रतीक है तू, माँ दुर्गा माँ सरस्वती का स्वरूप है तू, ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, आप सभी जनों से निवेदन है कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी, आप सभी से निवेदन, सभी आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथियों के स्वागत के साथ करते हैं, अभिनंदन के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय मूल हैं अतिथि देवो भव के। तो सबसे पहले निवेदन करूंगी सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। सभी लाडली बहनाओं से, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। निवेदन करेंगे माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे लाडले भैया, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से अपने प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय विधायक श्री अजय विश्नोई जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी से निवेदन कि वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का। माननीय विधायक सुश्री नंदिनी मरावी जी से निवेदन कि वे सुश्री पंकजा मुंडे जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी इंदु जी से निवेदन कि वे श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन श्री विनोद गोंटिया जी से कि वे श्री भूला सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत माननीय सुश्री नंदिनी मरावी जी का, माननीय श्री अजय विश्नोई जी का, माननीय श्री अशोक रोहाणी जी का, माननीय श्री सुशील तिवारी जी का, माननीय श्री देवेंद्र मोरे जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का, माननीय विनोद गोटी जी का, माननीय श्री संतोष बरकड़े जी का, माननीय श्री रिंकू विज जी का, माननीय आशीष दुबे जी का, माननीय अखिलेश जैन जी का, माननीय प्रभात साहू जी का एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री राकेश सिंह जी का स्वागत उद्बोधन के लिए। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी लाडली बहनें आज अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करने इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, तो आइए हम मातृशक्ति के जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश की 7 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले हम सबके लोकप्रिय नेता और हमारी बहनों की भलाई के लिए जिन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर अभी तक की यात्रा की है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अपनी बहनों से आग्रह करता हूं तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें।